चलता हूं जिस मही पर भूचाल आता है, मही तो क्या रही आसमां भी कांप जाता है। कर लेंगे अगर छोकरे हरेक काम को, तो दुनिया में कौन जानेगा रावण के नाम को। शिव धनुष तोड़ने वाला शिव का प्यारा ही होगा, जिसने यह कार्य किया वह दास तुम्हारा ही होगा। जो कृपा पात्र है गुरुओं के, वह कब किससे डर सकता है। जिस पर कृपा हो ब्राह्मणों की, यह काम वही कर सकता है। जय श्री राम। हम जिसके भेजे आए हैं, वह स्वामी भूमंडल का है। आगे से हटे प्रणाम करे, क्या तेरा हम पे कर्जा है। हम बाली राज के बालक हैं, जो अपने ही बल में पूरा था। तू क्या तेरे रावण को 6 मास खाक में दाबा था। करता है बेरंगी बात उससे, जो दूत राम रघुवर का है। नादान आंखें खोल के देख, अंगद से आज सामना है। बचपन से हम रामलीला देखते आए हैं, और बचपन से जब भी हम रामलीला देखने जाते थे तो यही देखते थे कि जो पुरुष हैं वो किरदार निभाते हुए नजर आते थे। वो चाहे महिला का किरदार भी होता था तो भी पुरुष निभाते हुए नजर आते थे। लेकिन आज हम एक ऐसी अनोखी रामलीला के किरदारों से आपको मिलवाने जा रहे हैं, जो अभी नवरात्रों के अंदर शुरू होगी, जो महिलाएं जो हैं वो सारा किरदार निभा रही हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ तैयारियां चल रही हैं उसको लेकर के, और अभी जब नवरात्रों के अंदर रामलीला जो होगी तो उसके अंदर ये महिलाएं जो हैं वो सारे किरदार निभाते हुए नजर आएगी। पिछले साल से ये रामलीला शुरू हुई है, हम बात करने की कोशिश करेंगे, क्या क्या किरदार हैं उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। आप किस चीज का किरदार निभा रहे हैं? मैं प्रभु श्री राम जी के किरदार में हूँ। ये प्रभु श्री राम जी के किरदार के अंदर हैं, तो आपको कभी लगा नहीं कि जिस तरह से पुरुष समाज है और पुरुष सारा ये करते आए हैं, अभी तक बचपन से हम रामलीला देखते आए हैं, तो अब की बार महिलाएं उतरी हैं इस मैदान के अंदर, क्या सोच रही? हमने जो एक अधिकार पुरुषों का था, जहाँ पे आधिपत्य पुरुषों का था, वहाँ अब हम महिलाओं ने एक अधिकार या पैर जमाना शुरू कर दिया है। हो सकता है ये बात पुरुषों को पसंद ना आ रहा हो, पर कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो प्रभु श्री राम जी भी माता जी की ही कोख से जन्मे थे। तो हम इस चीज को, इस तथ्य को गलत नहीं कर सकते हैं कि जहाँ पुरुषों का है वहाँ औरतों का नहीं हो सकता। कहीं ना कहीं पहले की जो रामलीला होती थी या अभी भी जो होती है, वो उनमें जो औरतों का किरदार था वो कहीं ना कहीं मर्द ही निभाते थे। इस बात के ऑब्जेक्शन कभी किसी औरत ने नहीं की, तो आज हम निभा रहे हैं तो इस बात पे ऑब्जेक्शन क्यों? तो बिल्कुल, आप राम के किरदार में हैं और राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहे जाते हैं, आप कोई डायलॉग सुनाएंगे राम जी का? हाँ जी। शिव धनुष तोड़ने वाला शिव का प्यारा ही होगा, जिसने यह कार्य किया वह दास तुम्हारा ही होगा। जो कृपा पात्र है गुरुओं के, वह कब किससे डर सकता है। जिस पर कृपा हो ब्राह्मणों की, यह काम वही कर सकता है। जय श्री राम। बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि राम जी के रोल के अंदर महिला है। आप किस चीज का रोल अदा कर रहे हैं? जय श्री राम, मैं अंगद का रोल कर रही हूँ। अंगद का रोल अदा कर रहे हैं, तो अंगद की तरह पैर जमाते हैं आप, जिस तरह से अंगद ने पैर जमाया था रावण के दरबार में जाकर के, तो बिल्कुल जमा करके दिखाइए और बोल के दिखाइए। हम जिसके भेजे आए हैं, वह स्वामी भूमंडल का है। आगे से हटे प्रणाम करे, क्या तेरा हम पे कर्जा है। हम बाली राज के बालक हैं, जो अपने ही बल में पूरा था। तू क्या तेरे रावण को 6 मास खाक में दाबा था। करता है बेरंगी बात उससे, जो दूत राम रघुवर का है। नादान आंखें खोल के देख, अंगद से आज सामना है। तो बिल्कुल, अंगद को आप देख रहे हैं, प्रभु श्री राम को आपने देखा, आप किस चीज का रोल अदा कर रहे हैं? मैं मकर ध्वज का अक्षय कुमार काफी रोल अदा कर रही हूँ। कई रोल अदा कर रहे हैं, तो कैसे प्रेरणा मिली आपको, क्योंकि आप अभी पढ़ भी रहे होंगे साथ के साथ, तो कैसे प्रेरणा मिली कि ये रोल अदा करना है मेरे को? बस जड़ों से जुड़ो से जुड़ी, और एकता दी से, और सबसे ज्यादा तो परी आंटी से, क्योंकि राम जी से, उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया इसमें।
कि तुम इसमें जुड़ो और आगे अपनी लाइफ को अच्छा बनाओ। इसमें महिला हैं, काफी उम्र की भी हैं, तो आपकी उम्र भी ज्यादा लग रही है, लेकिन किस तरह से लगा कि आपको कि हाँ आपको भी इसमें रोल अदा करना चाहिए? ये कुछ हादसे हो जाते हैं जिनमें, जैसे अकेलापन है, भी गर्मी में अकेली रहती थी, दिन में कितना काम कर ले सकता है बंदा। तो मैं, हमारी सोसाइटी में ये पहली बार मैं रामलीला हुई थी, तब मैं वहाँ पे जुड़ी इनके साथ, और अब की बार मैं किरदार निभा रही हूँ कुंभकर्ण का, ताड़का का। तो ताड़का का एक बार रोल करके दिखाइए। तड़ तड़ ताड़का हूँ मैं, तुम जैसे ऋषियों को खाकर पेट भरती हूँ मैं। आप किसका किरदार निभा रही हैं? मैं रावण का। रावण बोल के बताइए, रावण के क्या क्या डायलॉग होते हैं? हाँ जी बिल्कुल। चलता हूँ जिस मही पर भूचाल आता है, मही तो क्या रही, आसमा भी कांप जाता है। कर लेंगे अगर छोकरे हर एक काम को, तो दुनिया में कौन जानेगा रावण के नाम को। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि पूरी तरह से अपने किरदार के अंदर सम्मिलित हो चुके हैं और पूरे अपने किरदार के अंदर दिख रहे हैं। पहले हम पुरुषों को देखते थे कि रावण बनते हुए नजर आते थे, राम बनते हुए नजर आते थे, लेकिन अब महिलाएं जो हैं वो पूरी तरह से उस किरदार के अंदर समा चुकी हैं। और पिछले साल से ये रामलीला का मंचन शुरू हुआ था, आपसे भी जानना चाहेंगे कि किस तरह से यहाँ एक रहता है सोच जो रहती है वो पुरुष प्रधान सोच है, तो उसको किस तरह से पीछे धकेल करके और आप लोग आगे आए? बेसिकली तो यही है कि इसी सोच को बदलने की कोशिश की गई है कि ये सोच बदली जाए कि पुरुष ही ये सब कुछ कर सकते हैं। इसी सोच के साथ एकता जी आए और उसी सोच के साथ ये चैलेंज लेकर पिछली बार ये मंचन हुआ और इस बार इसका द्वितीय मंचन हो रहा है आपके सामने। चैलेंजेस तो हर काम में आते हैं, यही है उसी को ही हमने ओवरकम किया है अपने एफर्ट्स के साथ। देखिए ऐसा है कि महिलाएं आज तक चांद पे पहुंच गई हैं, ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जिसमें महिलाओं ने अपना जो है योगदान नहीं दिया। एक ये ऐसा क्षेत्र था रामलीला का जिसमें महिलाएं अभी बहुत आगे नहीं आई थी, तो हमें ये लगा कि ये संस्कार से जुड़ा एक प्लेटफॉर्म है। राम जी का नाम जो है चरित्र निर्माण में, सृष्टि में सबसे ऊपर जो है आता है, और महिला का सबसे बड़ा योगदान है समाज के चरित्र के निर्माण करने में। तो हम क्यों ना महिलाएं मिलकर के कुछ ऐसा एक आयोजन करें जो एक इतना लाउड एंड क्लियर मैसेज जाए कि जो भारत की जो बेटी है, जो भारत की जो बहू है, वो अपने संस्कार को संभालने में, अपने सनातन को संभालने में, अपनी संस्कृति को संभालने में पूरी सक्षम है। तो ये एक सोच करके कि और एक इसके साथ एक और भी हमारा विचार था कि महिला सशक्तिकरण की जो आज की तारीख में ना एक अंग्रेजों की सिखाई हुई परिभाषा है जिसके हम इतने विशेष सर्कल में उलझे हुए हैं। हम कहते हैं जी कि महिला जो अंग्रेजी बोल रही है, जो फाइनेंशियली साउंड है, दो पैसे कमा रही है, जिसको गाड़ी चलानी आती है, जो उल्टे सीधे कपड़े पहन रही है, जो क्लबिंग कर रही है, जो डिस्क्स में जा रही है, वही महिला सशक्त है। जबकि हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि हिंदुस्तान में ज़्यादातर महिलाएँ गृहणियाँ रही हैं। तो हिंदुस्तान की महिला क्या इसका मतलब आज तक सशक्त ही नहीं थी? नो, दिस इज रॉन्ग। हमारे देश की महिला हमेशा सशक्त रही है, वो अपने अपनी जो भावी पीढ़ी है उसका लालन पालन कर रही है। सिर्फ क्योंकि वो अपने पति के कमाए हुए पैसे पर डिपेंड करती है तो वो इज नॉट मोर देन इनफ अ रीजन कि वो सक्षम नहीं है। कब से आपने ये आयोजन शुरू किया? ये हमने पिछली बार पहली बार ही किया था जी, ये इस बार हमारा दूसरा प्रयास है। कैसा रेस्पॉन्स मिलता है लोगों का, क्योंकि जैसा आपने बताया कि पुरुष प्रधान समाज है, तो उसके रेस्पॉन्स कैसा मिलता है? रिस्पॉन्स हम ये कहें कि बियॉन्ड इमेजिनेशन था जी। हम तो एक सोच लेके चले थे और एक क्रांतिकारी सोच लेकर के चले थे, और हमें लग रहा था कि देखते हैं कि लोगों का इसमें क्या फीडबैक होता है। अपार, जिसको हम कहें, स्नेह और आशीर्वाद लोगों का मिला। पहले ही दिन से, समय से पहले हमारी कुर्सियां भर जाती थी और अंतिम दृश्य तक 500-700 बंदा वहां पे हमारा ऑडियंस खड़ा रहता था। कब से कब तक चलने वाला है ये? 15 अक्टूबर से लेकर के 24 अक्टूबर तक चिनार होम्स के ग्राउंड में होगा और रोज शाम 8 से 11 बजे तक इसका प्रसारण होगा। और जो फिजिकली जो आएंगे वो तो इसको देख ही सकते हैं, इसको जड़ों से जुड़ो के यूट्यूब चैनल पर भी हम लाइव भी इसको देख सकते हैं। वैसे तो गृहिणी है, कुछ वर्किंग है या वर्किंग अभी है? घर चलाते हैं? वर्किंग है। तो कैसे समय निकाल पाते हैं इसके लिए? अभी तो जॉब से छुट्टी ली हुई है इस काम के लिए, और आफ्टर रामलीला ज्वाइन करेंगे जो।
आप किस चीज का रोल निभा रही हैं जी? मैं जटायु का, देवता का और गण का और ऐसे दासी वगैरह सब काफी रोल निभा रहे हैं। आप किस चीज का रोल निभा रही हैं जी? मैं सुमंत का, बाली जी की वाइफ तारा का और मंत्री का रोल। मंत्री का रोल जी। कोई डायलॉग आपको याद है? जी बिल्कुल, रावण जी के मंत्री का, महाराज कभी सिंह के आगे हिरण को ठहरते देखा है? बड़े से बड़ा योद्धा भी लंका के वीरों के आगे आंख नहीं मिला सकता। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि अलग अलग किरदार के अंदर हैं और जो इन किरदारों को ट्रेन कर रहे हैं, इनके गुरु कह सकते हैं जो रामलीला, उनसे ही बात करते हैं, रामलीला जो पूरी सिखा रहे हैं किस तरह से हुआ था मंचन, वो उनसे ही बात करते हैं। आपसे जानना चाहूंगा कि किस तरह से ट्रेन कर रहे हैं? बच्चे बिल्कुल अनजान थे जब ये आए थे, लेकिन धीरे 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 जो जो ये सीखते गए और किरदार में आते गए, अब इनके लिए ये काम करना बड़ा आसान है। कहते हैं लेडीज क्या नहीं कर सकती, आसमान को छू सकती हैं। क्यों जी, कई इन्होंने कोई काम ऐसा नहीं छोड़ा लेडीज ने, किसी देश की राष्ट्रपति भी महिला हैं, प्रधानमंत्री महिला हैं। जब ये सारे काम महिलाएं कर सकती हैं तो ये कला का काम, वैसे तो कला इनके रोम रोम में होती है, जब ये माँ होती है घर में, बहन होती हैं, बीवी होती हैं, तो इनके रोम रोम में कला होती है। बस उनको उस कला को बाहर लाना हमारा काम है और इन्होंने बखूबी किया है, मेरे साथ कोऑपरेट कर रही हैं सभी और मुझे विश्वास है कि ये रामलीला पूरे चंडीगढ़ इलाका की नंबर वन रामलीला होगी लेडीज के द्वारा की गई। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि 15 तारीख से ये रामलीला शुरू होगी और जो यहाँ सोसाइटी है, चिनार होम्स सोसाइटी है, उसके ग्राउंड के अंदर ये रामलीला आयोजित की जाएगी और जो कि दशहरे तक चलेगी और दशहरे पर रावण का दहन होता है। तो पहली बार ऐसी रामलीला, इससे पिछले साल भी इन्होंने की थी, सेकंड बार है, दूसरी बार ऐसी रामलीला आपको देखने को मिलेगी जहां सारे किरदार जो हैं वो महिला किरदार होंगे और पूरी तरह से कहीं ना कहीं मनोरंजन करते हुए लोगों का नजर आएंगे और लोग भी उसका काफ़ी अच्छे से लुत्फ उठा पाएंगे। कैमरामैन अमन के साथ अंकित उदानी, न्यूज 18 चंडीगढ़।